कर बनी हुई है। जितेंद्र शुक्रिया आपका, कमलजीत आपका भी शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच खबर अब बंगाल से, बंगाल चुनावों से जुड़ी हुई, जिसकी जंग में एक कथित ऑडियो को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम से कम 900 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी साहब है, एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बी करप्शन है, ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया है। और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, कुछ 2-4 आईपीएस भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहां है, खास करके ईस्ट बाड़वान, ईस्ट वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 2014 जब भातीजा ने एमपी बना दिया, उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। ये सबका पुलिस ऑफिसर को एक कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ एक ऑडियो टेप के द्वारा, इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार युद्ध में हैं। उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमले किए हैं। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी, बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। तो बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और टीएमसी से खुद ममता बनर्जी ने आज हुगली में धुआंधार प्रचार किया। ममता ने फिर खेला होबे का जुमला उछाला। ओम सर्व मंगल मंगल शिव सदा कुशाद के मारा उलुदन शको धर दे। ओम सर्व मंगल मंगल शिव सदा कुशाद के शरण में तंबके गौरी नारायण नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणस्वय गुणमय नारायण नमस्तुते शरण आगत दिनात परिचान परायण सर्व शक्ति हरे देवी नारायण नमस्तुते। ममता बनर्जी लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। हुगली में आज फिर ममता का चंडी पाठ। ओम सर्व मंगल मंगल शिव सदा प्रसाद के मारा उलुदन शको धर दे। ओम सर्व मंगल मंगल
সাধিকে শরণ্যে তম্বকে গৌরী নারায়ণ নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তি ভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণ নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তিহারী দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওং জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ভক্তি সদা নমস্তুতে ওং মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বরং মহাপাপহরং দেব মকরায় নম নম। আমি সংখ্যালঘুদের বলব আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া আছে, আল্লাহ তাআলা সকলকে দোয়া করো ভালো রেখো আমার সব পরিবারকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ।